देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो एक नया राइटिंग स्किल है आपके लिए, जिसको इन शॉर्ट में कहा जाता है SOP। सो क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसको जानते हैं। जब आपका 12th कंप्लीट हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, यानी कि सीनियर कॉलेज में चले जाते हो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है अब्रॉड में, अदर कंट्रीज में, यूएस में, कनाडा में, वो लोग क्या चाहते हैं कि जो भी उन यूनिवर्सिटीज में किसी कोर्स को अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए उसे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है, एक रिटन में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अपने बारे में, मतलब एक तरीके का सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं उसे। तो उसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में फिर आप अपना एम, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, कि क्या क्वालिटीज है, आपको यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपका इस कोर्स में क्या इंटरेस्ट है, ये सब आप उस एसे में, आर्टिकल में आपके बारे में लिखोगे। आपका एम्बिशन क्या है वो बताओगे। तो SOP आपका एक गेटवे हो जाएगा, उसके थ्रू आप उस कॉलेज में एंटर कर पाओगे। तो इसका एक फॉर्मेट है, इसमें कुछ पैराग्राफ्स है, कुछ 5 to 6 पैराग्राफ आपको लिखने होते हैं। सो ये 6 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ इसमें क्या लिखेंगे, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है, उसको समझते हैं। पहला जो पैराग्राफ है उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बात करोगे कि आपका आप कहाँ से आते हो, आपके फैमिली में कौन 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 है, सब पूरा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, इन शॉर्ट में, लेकिन अच्छे से, जिससे आपका फैमिली बैकग्राउंड पता चले कि आप कौन से फैमिली से आते हो, कि आपके पेरेंट क्या करते हैं, देन आपका कितना मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो, मेंटल मेकअप, यानी कि आप कितना मेंटली प्रिपेयर हो इस कोर्स के लिए, आपकी लाइफ का एम, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताना। सेकेंड पैराग्राफ में आप बताओगे कि आप ये जो कोर्स कर रहे हो, ये कोर्स आप क्यों करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कौन से फील्ड, आपका एरिया क्या है इंटरेस्ट का, कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं कोर्स से रिलेटेड। थर्ड पैराग्राफ जिसमें आप ये बताओगे कि आपके पास क्या क्वालिटीज हैं जो आपके करियर गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे, या आपके क्या हॉबीज है, या फिर करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, डांस, ये जो है ये आपको आपके गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, आपको पावरफुल बनाएंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ पैराग्राफ जिसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में आपको कोर्स करना है, या फिर आपने उससे रिलेटेड कोई इंटर्नशिप किया है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो ये आप बता सकते हो फोर्थ पैराग्राफ में। और ऐसे बताना है जिससे आपका जो एप्लीकेशन है बाकी एप्लीकेंट से अलग हो जाए, मीन्स आप आउटस्टैंडिंग हो जाओ, आपका एप्लीकेशन जो है, आपका SOP जो है वो रिमार्केबल हो जाए। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे कि आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, और आप इस एडमिशन को या फिर इस यूनिवर्सिटी को लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव के इसमें कैसे देखते हो, कैसे आप यहाँ से कोर्स करोगे तो आपको कैसे ये हेल्प होगा आपके करियर में, ये बताना है। सो ये एक एग्जाम्पल है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। परस्यूइंग अ कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल इनेबल मी टू Progress in a field which started as a dream. So, वो जो स्टूडेंट है जो ये लिख रहा है, वो कह रहा है कि उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर्स करना है, यानी कि जहाँ पे वो SOP दे रहा है उस यूनिवर्सिटी में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहता है। और वो क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसका वो ड्रीम है। उसके बारे में और भी बताना है उसे बैकग्राउंड, वो कह रहा है द जेनेसिस ऑफ दिस ड्रीम वॉज अ पर्सनल एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 10। ये ड्रीम कब स्टार्ट हुआ, जब वो 10 साल का था। वी वर ऑन अ रोड ट्रिप इन माई डैड्स कार। विदाउट एनी वार्निंग द इंजन सीज्ड एंड विद इट माई ड्रीम फॉर एन एक्साइटिंग हॉलीडे टू। और अचानक
कोई वार्निंग दिए बगैर इंजन जो है कार का वो सीज्ड हो गया, स्टॉप हो गया, और हॉलिडे का जो एक्साइटमेंट था वो भी स्टॉप हो गया। माई डैड हॉप्ड आउट ऑफ द कार एंड ओपन द बोनेट। उसके डैड फिर बाहर आए, बोनेट ओपन किया। आई वॉज राइट ऑन हिज टेल, और राइडर के सॉरी उसके फादर के पीछे ही वो स्टूडेंट खड़ा था। वॉचिंग हिम वर्क ऑन द इंजिन अटरली फैसिनेटेड, फादर को वर्क करते देख फैसिनेटेड हुआ हुई। सून द कार वॉज अप एंड रनिंग, और कार अप हो गया, रेडी हो गया एंड स्टार्टेड रनिंग। सो आई वॉज इन ऑ एंड एडमिरेशन फॉर माई डैड। और राइटर जो जो लिख रहा है स्टूडेंट वो सरप्राइज हुआ एंड डैड को अप्रिशिएट किया, एडमायर किया। आई वॉन्टेड टू बी जस्ट लाइक हिम, तभी उसने डिसाइड किया कि डैड के जैसे बनना। माई डैड इज एन इंजीनियर एंड आई न्यू द सीड ऑफ इंजीनियरिंग हैड जस्ट बिन प्लांटेड डीप इन माई कोर। डैड इंजीनियर है और उसे भी इंजीनियर बनना है, ये उसके हार्ट में बचपन से ही सीड ग्रो हो रहा है। आई एम ईगर टू एक्सप्लॉइट माई हंगर फॉर द कोर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इन पर्टिकुलर ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग। तो अपना हंगर जो है इसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, मैकेनिकल इंजीनियर उसे करना है और खास करके ऑटोमेटिव में। इस पैराग्राफ में उन्होंने इंटर्नशिप किया है पुणे से, ये बता रहे हैं, एज वेल एज उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में व्हीकल्स को लेके वो उन्होंने बताया। उनके अचीवमेंट्स बताया कि उन्होंने फिजेट स्पिनर बनाया जो घुमाते हैं बच्चे। Here she has beautifully, the student whoever has written this has given a beautiful example how the sports also help us to focus, concentrate on our career goals because physical fitness is also important. यहाँ पे उन्होंने अपने हॉबीज बताए, उनका स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उसके बारे में बताया। ऐसा यहाँ पे वो शो करेगी उनके सोशल एक्टिविटीज भी हैं एंड क्यों यूनिवर्सिटी में कोर्स करना है उसका रीजन इस लास्ट पैराग्राफ में दिया है। आई होप कि आप भी ऐसे एसओपीज फ्यूचर में लिखोगे जिसमें क्लियर लूसिड होनी चाहिए। लूसिड होने के सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए सेंटेंस के, और थोड़े से कन्विंसिंग होने चाहिए कि हाँ मुझे कोर्स करना है, आप एडमिशन दो, और करियर का जो डिटर्मिनेशन है ये इसमें झलकना चाहिए। इन पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी इसको ध्यान में रखते हुए आप लिखोगे, आपकी पर्सनैलिटी इससे रिफ्लेक्ट होगी, आपको ध्यान में रखना है, आपकी क्वालिटीज को आपको हाईलाइट करना है, आपके लाइफ एक्सपीरियंस को आप बताओगे इसमें, और कैसे आप बाकी से अलग हो इसमें बताना है। इस तरीके से आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हो, बट डोंट वरी कि इतना बड़ा आपको लिखने के लिए नहीं होगा। इसको ऑप्शन भी है, तो क्या ऑप्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।